Hey guys, welcome back to my channel. तो अभी शाम का वक्त है तो अभी हम लोग पहले नाश्ता करेंगे और आज हम लोग खाने वाले हैं मखाना. तो वो कैसे बनाते हैं हम लोग वो मैं पहले रेसिपी शेयर करूंगी, उसके बाद नाश्ता करते हैं. ब्रेकफास्ट नहीं, शाम का नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं. कल हम लोग जाने वाले हैं एक ट्रिप पे, फैमिली के साथ ही हम लोग सब जाएंगे, तो उसका भी पैकिंग भी करना है. तो पहले फटाफट कुछ खा लेते हैं फिर पैकिंग करेंगे. तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मखाना. उसके लिए मैंने पहले पैन एकदम गरम कर लिया था, उसके बाद मैंने इसमें डाल रही हूँ मखाना. बट ये पैकेट से डायरेक्ट डल नहीं रहा था तो मैंने क्या किया, फिर इसे पहले प्लेट में निकाला एंड देन इसे डाल दिया, क्योंकि एक हाथ से मैं वीडियो बना रही थी. तो फिर मैंने इसे ऐसे डाल दिया एंड फिर इसे अच्छे से रोस्ट करना रहता है. तो हल्का हाथ से मैंने स्पून से ही पहले रोस्ट कर लिया एंड देन घी इसमें मैंने मिक्स किया है. घी एक ही जगह गिर गया तो फिर मैंने उसे भी थोड़ा फैला लिया एंड फिर इसे रोस्ट किया. इसे बहुत थोड़ा सा टाइम देके मैंने इसे रोस्ट किया अच्छे से. ये थोड़ा फ्राई हो जाता है तो थोड़ा सा एकदम क्रिस्पी बनता है, वरना फिर ये थोड़ा सा एकदम नरम नरम लगता है. दैट्स व्हाई इसे अच्छे से मैंने पहले रोस्ट कर लिया. तो मखाना यहाँ पे अच्छे से रोस्ट हो गया है. अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा नमक और उसे भी उसके बाद भी उसे अच्छे से रोस्ट करूंगी ताकि वो एकदम फ्लेवर इन्हेंस होकर आए और बहुत अच्छा लगता है ये. और जब तक कलर चेंज ना हो जाए इसे अच्छे से मैंने रोस्ट कर लिया है एंड अब होगा टेस्टिंग टाइम. तो इसके पहले मैंने इसे प्लेटिंग कर लिया है एंड फिर मैंने इसे टेस्ट किया. एज यूजुअल मुझे बहुत ही अच्छा लगा और फिर मैंने इसके मजे लेके आराम से टाइम स्पेंड करके मैंने अपना नाश्ता किया. तो हमारा नाश्ता हो गया है और हाँ, मखाना बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए भी. अगर आप चाहे तो इसे ट्राई कर सकते हैं, मुझे बहुत टेस्टी भी लगता है. तुमको कैसा लगता है? अच्छा लगता है. मुझे भी बहुत अच्छा लगता है खासकर ऐसे करके. बट फ्राई खाना उतना हेल्दी ऑप्शन नहीं है. ट्राई तो आप चाहे तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, बट ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है, क्रंची लगता है जब फ्राई करके ऐसे खाते हैं. तो या कल ट्रिप स्टार्ट हो रहा है. एक्साइटेड? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं. अभी हम लोग का पैकिंग, मम्मी पापा का पैकिंग हो गया है बट हम लोग का नहीं हुआ है. तो मम्मी चिल्ला रही है कब से कि पैकिंग कर लो. और मम्मी अभी नहीं है घर पे, मम्मी पापा दोनों ही बाहर निकले हैं कोई काम से. तो हम लोग अभी ये सोच रहे हैं कि मम्मी को गिफ्ट आज दे या बर्थडे वाले दिन. हाँ, क्योंकि मम्मी का बर्थडे है 1 जनवरी को और उसी दिन हम लोग का रिटर्न है. तो उस दिन हम लोग आएंगे, थक जाएंगे या कुछ एक्साइटेड नहीं रहेगा. और गिफ्ट देंगे अगर अभी देंगे तो मेरा मानना है कि अभी दे दें, क्योंकि अगर मम्मी को पसंद है तो वो लेकर भी जा सकती है ट्रिप में, उनका मन हुआ तो. तो क्या कहती हो? दे दो. दे दो, लेकिन पैकिंग नहीं किया ना. कर लो. रैपिंग पेपर नहीं है? हाँ, रैपिंग पेपर ऐसे ही दे सकते हैं. नहीं तो हाँ, तो देखते हैं अभी ही दे देंगे ताकि उनके ऊपर रहेगा. अब उनको मन रहेगा तो वो लेकर भी जा सकती हैं और अच्छा ही रहेगा, है ना? बहुत अच्छा रहेगा. बहुत लग रहा एकदम फोर्सफुली वीडियो में आ रही है बिचारी. नहीं हाँ, ये एकदम क्लियर कर दो कि तुम फोर्सफुली नहीं आ रही हो. मुझे बंदूक के ऊपर बिठाया गया है. ऐसा कुछ नहीं है. और क्या बोलते हैं, तो चलो पैकिंग स्टार्ट करते हैं. चलो. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. तो मैं इस ट्रिप के लिए इसलिए भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि यहाँ पे तो इतना ठंड पड़ता नहीं है और हम लोग कहीं दूर नहीं जा रहे हैं, पास में ही जा रहे हैं. बट मैं वहां पे रात को ठंडा होता है, सुबह तो ऐसे भी धूप ही रहता है सब जगह. तो आई होप कि मैं ये वहां पहन सकूं और वहां पे मुझे थोड़ा ठंड तो लगे जिससे कि मैं इसे इंजॉय कर सकूं. तो या मुझे ये पहनना है तो मैं ये लेकर जाऊंगी क्योंकि सुबह को निकलेंगे हम लोग कल और फिर तो धूप में तो ये काम आएगा नहीं. तो कल मैं नॉर्मल टॉप ही पहन के जाऊंगी. सारा पैकिंग अभी भी चल रहा है तो मुझे ये मतलब देख कर ही मुझे लगा कि मैं एक बार पहन ही लेती हूँ, तो इसलिए मैंने इसे पहना है और इसलिए मैंने ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया. तो यस, होप ये वाला भी मैं पहनूं वहां पे और मस्त इंजॉय करूं. ये देखिए, मैं सिर्फ एक ही ये बटन लगाया मैंने ताकि एक वीडियो ले सकूं. तो ये थोड़ा सा मजा आ जाए वहां पे भी. और या कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं. यस, तो एक्साइटेड. अब पूरा पैकिंग कर लेती हूँ क्योंकि पूरा बेड ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है मेरा और बहन का पूरा कपड़ा. ऐसे दिखाओ कैसे पूरा एकदम. रहने दे. ठीक है,
तो बहन बोर्ड अभी नहीं कुछ ऐसे दिखाना बहुत मेसी है, तो यस अब हम लोग फटाफट सब कर लेते हैं। और गिफ्ट रैपिंग पेपर तो है नहीं, बट देखते हैं मम्मी आ जाएगी तो वैसे ही देंगे, तो उसके लिए पहले यहाँ पे सेट कर ले वरना आते ही चिल्लाएगी क्यों ऐसे रखा हुआ है। तो यस, तो मेरा पैकिंग तो हो गया है और ये मेरा बैग जो बहुत मोटल्लो हो गया है, एकदम ज्यादा दिन का ट्रिप नहीं है, सिर्फ 2 दिन का ही है, बस तब भी इतना मोटा सोटा हो गया कि अब मैं सोच रही हूँ कि जो जैकेट मैंने दिखाया था वो बैग में नहीं रख के मैं कल पहन लूंगी सुबह सुबह, ताकि ये थोड़ा हल्का तो रहे। लेट्स सी, वो जैकेट भी बहुत भारी है, उफ, लेट्स सी क्या होता है, वो तो कल ही पता चलेगा। खोल के देखिए, बंद करो, खोलिए। अरे देखिए तो, देखिए बहुत अच्छा। कब देखे? अभी देखे, बाहर से देख के पता चल रहा थी पर्स है। हम यही लेके जाएंगे, यही लेके जाएंगे, नहीं लेके नहीं जाएंगे, क्यों? अच्छा लगा, छोटा पड़ जाएगा ना, छोटा छोटा नहीं, घूमने जाएंगे तो साइड में लेने के लिए। हाँ कलर अच्छा लगा, बहुत अच्छा, आप लीजिएगा, बोल के मतलब लेके जाने का भी एक ऑप्शन रहेगा, मतलब यूज कर सकेगा, इसलिए हम लोग आज दे दिया गिफ्ट, नहीं तो फिर फर्स्ट को देते। हाँ ले जा भी सकते हैं, अब आप डिसाइड कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ देखिए उसको खोल के देखिए, अच्छा। क्या बोलते उसको, अनबॉक्सिंग, दोनों कैंची लेके आओ, खोलो, इसको कट कर दो पहले। किसको? रखा ही क्यों था? तो हम लोग को नहीं पता था ना, कब मंगाया? हाँ कब मंगाया? वो पहले जो आया एक तो पार्सल था। ये रहा वो बैग, चेक निकल रहा, चेक चेक कैश। अच्छा अच्छा ना, उसको खोल दीजिए, इसको जो क्या है, क्या? तो तभी तो फोन आ गया था मम्मी का, तो मम्मी बात करने लगी, तो मम्मी को बैग बहुत अच्छा लगा और हम लोग को भी पर्सनली ये बैग बहुत अच्छा लगा, बहुत सर्च कर करके फिर हमने ये ऑर्डर किया था। तो या तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अभी हम लोग जल्दी खाना वाना खा के सो जाएंगे क्योंकि कल सुबह सुबह निकलना है, ज्यादा सुबह भी नहीं बट सुबह उठ के सब पैकिंग वैकिंग अभी भी जो है थोड़ा बहुत लेके जाना रहेगा, जैसे कि स्किन केयर का हो गया, ये सब चीज भी सब लास्ट में जो पैकिंग करना रहता है, चार्जर एंड ऑल, तो ये सब भी सब पैकिंग वैकिंग करना रहेगा सुबह, और वो सब सब लिस्ट बना के रखना पड़ेगा अभी से। तभी फटाफट खाना वाना खा के हम लोग रेस्ट करेंगे एंड फिर ये वीडियो भी एडिट करके डालना रहेगा, तो यस ये सब काम कर लूंगी और फिर कल निकलेंगे, जाएंगे ट्रिप पे, आई एम हैप्पी। यस तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।